क्या आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारे घर में घूमने वाली छिपकली अपना आकार बदलकर इंसानों जितनी बड़ी हो जाए तो क्या होगा? वैसे इस बारे में आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बात कोमोडो ड्रैगन की जाए तो वो धरती पर पाए जाने वाली छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। वैसे तो ये हूबहू क्रोकोडाइल जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन असल में ये क्रोकोडाइल नहीं है, जिसकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। ये शिकारी जानवर इतना खूंखार होता है कि ये अपने से बड़े जानवरों पर भी हमला करने में बिल्कुल नहीं कतराता। जहां आज हम देखेंगे कोमोडो ड्रैगन द्वारा किए गए कुछ खास हमलों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोमोडो ड्रैगन अटैक ऑन बफेलो। वैसे हम लोग कोमोडो ड्रैगन को एक बुद्धिमान जीव भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका अपने जानवर का शिकार करने का तरीका ही कुछ ऐसा है जैसा कि हम लोग इस कोमोडो को देख सकते हैं। इसे पता है कि गर्मियों के दिनों में जंगली जानवर पानी पीने के लिए नदी किनारे आते रहते हैं, और वो वहीं पर जाकर ताक लगाकर बैठ जाता है, जिसके बाद उसकी नजर एक भैंस पर पड़ती है जो कि पानी में मौजूद कीचड़ में लेटी हुई थी। जिसके बाद तो वो उसकी तरफ अपना रुख करके उसे अपना शिकार बनाने के लिए चल पड़ता है, और देखते ही देखते वो भैंस के ऊपर अटैक भी कर देता है। जहां भैंस उससे दूर जाने लगती है तो वो उसका पीछा करता रहता है, और एक बार तो भैंस भी उसका रुख कर सामना करने की कोशिश करती है, जिसके चलते कोमोडो ने उसके मुंह पर ही बाइट करने की सोची। फिर तो वो भैंस वहां से भागने की कोशिश करती ही रहती है, जहां कोमोडो इसका पीछा करने लगती है। लेकिन वो कोमोडो इस बात का भी पूरा ख्याल रखता है कि भैंस उसके मुंह पर लात ना मार दे, और ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद भैंस वहीं कीचड़ में फंस जाती है, और उसके बाद तो कोमोडो ने भी अपने जहरीले दांत उसके शरीर में ले जाने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई, जिसके कारण भैंस वहीं पर गिर जाती है, और देखते ही देखते कोमोडो ड्रैगन उसको जिंदा ही निगलने की कोशिश करने लगते हैं। कोमोडो अटैक ऑन टर्टल। वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि कछुए का खोल हद से ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन क्या होगा जब कोमोडो उससे टकराएगा? यहाँ पर मौजूद कोमोडो कछुए के घर को खोदने लगता है, क्योंकि वहां पर वो उसके अंडों का शिकार करना चाहता था। लेकिन अंडों का शिकार होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठता, और समंदर की तरफ भाग रहे कछुए को पकड़ने की कोशिश करता है, और देखते ही देखते वो उसे खाने भी लगता है, जिसके बाद वो पूरी तरह उसके खोल में घुस जाता है, और कछुए को अपना भोजन बनाने के बाद वो उसके खोल को अपने सिर पर टांगकर वहीं पर घूमने लगता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोमोडो ने किया जंगली सुअर का शिकार। कोमोडो ड्रैगन एक ऐसा जानवर है जो अपने जानवर को खाने के साथ साथ निगल भी सकता है। यही कारण है कि वो छोटे और बड़े सभी तरह के जानवरों पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम एक कोमोडो को देख सकते हैं जो कि एक जंगली सुअर को अपना शिकार बनाए हुए है, और वो सुअर के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से खा चुका था, और वो धीरे धीरे उसे पूरा ही हजम कर जाता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिसके चलते वो अपने शिकार के साथ साथ उसकी हड्डियों को भी बड़े ही मजे से डाइजेस्ट कर सकता है। कोमोडो ने किया हिरन का पीछा। कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को काफी दूर से भी साफ साफ देख सकता है, और वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। इन्हीं दोनों उदाहरणों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ ये कोमोडो जब एक हिरन को देखता है तो वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे बड़ी ही बेसब्री से भागता है, लेकिन हिरन की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी, जिसके चलते वो अपनी जान बचा लेती है। कोमोडो ने किया हिरन का शिकार। यहाँ पर हिरन पानी में घुस चुका था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके पास कोमोडो आ चुका है, और मौका मिलते ही कोमोडो ने उसके ऊपर हमला कर दिया, और हिरन वहां से भाग पाता उससे पहले ही वो उसे अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद उसे किनारे तक लेकर जाता है। वैसे आपको बता दें, इसके दांत हद से ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन अगर वो गलती से टूट भी जाएं तो वो फिर से ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि लाइफ में इनके दांत 5 बार आते हैं। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।